मोदी साहब ने टॉपिक है हाउ टू मेक निगरानी सिस्टम अपीलिंग फॉर मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचिंग क्वालिटी इन निगरानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले आना चाहूंगा कि आज के इस दौर में अगर हमको किसी मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर अपनी निगरानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अगर अपील करने के लिए बात करनी हो, अगर अपनी बात पहुंचानी हो, तो सबसे आसान और बेहतर तरीका जो सबसे पहले नजर आती है वो है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम अपनी बात को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि आजकल के जमाने में हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास लैपटॉप है। यहाँ देखिए शहर में या फिर गांव में चले जाए वहां भी हम मोबाइल का और इंटरनेट का आसानी से हम मिल सकता है। इससे क्या होगा कि अगर हम तरीका इलाज है हमारे निगरानी मेडिसिन से या फिर ऐसा कोई हमारे कॉलेज में प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हो जो कि निगरानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड हो या फिर और भी बहुत सारे चीज जो हमारे कॉलेजेस में होते हैं, अगर उन सारी चीजों को अपलोड करें तो इस तरह से जो भी लोग हैं खास करके ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे जो है वो मेडिकल एस्पायरेंट्स वहां तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वो चीज ये सारी चीजें जब देखेंगे जानेंगे समझेंगे इसके बारे में तो उनका रुझान जो है वो निगरानी सिस्टम की तरफ बढ़ेगी। और ये हमें पता है कि खास करके हम लोग जो मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं जब नीट की तैयारी करके जब आते हैं कॉलेजेस में आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि एक जहन बना हुआ होता है हमारे कि हम जाएंगे निगरानी सिस्टम में जाएंगे और ये जड़ी बूटी वाला बाबा बनेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज गलत फहमी उसके जहन से हम निकाल सकते हैं बाई अपलोडिंग पिक्चर्स या फिर वीडियोस या फिर तरीका इलाज जो भी हमारे निगरानी सिस्टम में है उसके जरिए हम अपने बात को मेडिकल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मेडिकल कैंप का इस्तेमाल किया जाए। मेडिकल कैंप जो भी हमारे कॉलेजेस हैं तो उसके आसपास में इलाकों में शहरों में जाकर अगर हम मेडिकल कैंप का इस्तेमाल करते हैं, फ्री का इलाज करते हैं और उनको दवा देते हैं तो जब इन चीज के असरात को उसके ऊपर जब नजर आएगी कि बीमारियां जब इनसे ठीक होगी तो इसे अपने घर पे ये बात को रखेंगे, जाहिर करेंगे, बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि हाँ एक निगरानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है, ये अच्छा स्कोप है, एक बेहतर तरीका है जिससे आप एक बेहतर और ऊंचे मुद्दे पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अगर हम उनको एग्जाम्पल्स दिखाएं बताएं कि हाँ एक निगरानी मेडिसिन के जरिए भी बड़े बड़े मुद्दे और बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन टीचिंग क्वालिटी इन निगरानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो मेरी पहली जो पॉइंट है सबसे पहले मैं पेश करना चाहूंगा कि जो भी हमारे असातिज़ा हैं वो अगर उर्दू लाइन से हैं तो उनको थोड़ा बहुत जो है वो अंग्रेजी टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट और जो मैकेनिज्म है अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो वो जब बच्चों को सामने पेश करेंगे, क्योंकि हम लोग नीट होते हैं नीट की तैयारी करके जब आए हुए होते हैं तो हम उर्दू से हुए वो लोग नहीं हो पाते, तो जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग उन सब बातों को। तो अगर वो उस मैकेनिज्म को अंग्रेजी जो भी इंग्लिश टेक्नोलॉजीज है और मैकेनिज्म है उसको अगर उनके सामने पेश करेंगे तो इसे उनको काफ़ी अच्छे से समझ आए। और दूसरी बात यह है कि हमारे कॉलेजेस में हर चीज़ की सुविधा है, प्रोजेक्टर्स का सुविधा है, अगर हम बोर्ड के साथ साथ अगर प्रोजेक्टर्स पे फोटोज के जरिए पिक्चर्स के जरिए वीडियोज के जरिए अगर उनके सामने किसी भी टॉपिक्स को पेश करते हैं तो काफी अच्छे से समझ में आएगा और उस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। साथ साथ इस ऑफर में पेश करना चाहूँगा और खत्म करेंगे अपने बात को। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ इस पर मुझे मलाल थोड़ी है, कोई का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मजा तो तब है किसी हाथ के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी रात को रोशन करना कमाल थोड़ी है और मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है।
2020 बैच इस पटना 97 सीएमडी के मौके पर आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। डिबेट कंपटीशन का जो टॉपिक है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मेडिकल एस्कारेंस के लिए कैसे अपील की जाए, तो इसके अच्छाई और बुराई दोनों पहलू को मुझे देखना है। यूनानी मेडिसिन वाकिफ है, इसका जो ट्रीटमेंट मेथड होता है मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल काउज को देखा जाता है बीमारी को। यूनानी पैथी का जो मेन ट्रीटमेंट होता है तबियत पे होता है, जिसको हम लोग तबियत ही असल में मालिश होता है। इसके हिसाब से कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको अपने अपना केयर खुद से करना है ताकि बीमारी से हम लोग बच सकें। असल मकसद है मेडिकल स्टैंड का एस्पेक्ट अट्रैक्ट कैसे करें अपने पैथी के तौर। इसका मतलब हमको यूनानी मेडिसिन को दिखाना है एट इन्फाइनाइट हाइट ताकि लोग समझ सके क्या इसका अच्छाई और बुराई है। तो जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं कि यूनानी मेडिसिन जो स्पेशली जो है क्रॉनिक डिजीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जैसे सोरेसिस, स्किन डिजीज, फूड जेमा, लीवर डिसऑर्डर्स। और ये चिपर है, आसान, इजीली एक्सेसिबल है। पल्स देखकर के इलाज की जाती है, ना कि टेस्ट की जाती है बॉडी का। इन अदर पैथी में ऐसा होता है, बॉडी का टेस्ट कराया जाता है जिसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। और इसका जो मेन फीचर्स है टॉकिंग थेरेपी, मसाज वगैरह सब है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा हिस्ट्री के सिलसिले में। अब नाम सुने होंगे हीरोफिलस का, अबू तशरीफ बोलते हैं, फादर ऑफ एनाटॉमी। वो 16th सेंचुरी एडी के स्कॉलर रहे हैं बहुत बड़े। और उनके बारे में कहा जाता है कि उस जमाने की बात है 200 से ज्यादा बॉडी का डिसेक्शन किया उन्होंने एनाटॉमी में। और आज हम कहते हैं कि एनाटॉमी यूनानी का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। और मैं जब पहली बार पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और मैं जब बहुत से पूछा पता चला कि नहीं, ये बात सही है, 200 से ज्यादा बॉडी का डिसेक्शन कम बड़ी बात नहीं है। और आज हम कहते हैं कि यूनानी में कैडेवर का कोई रोल नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। अब मेडिकल स्टूडेंट का अट्रैक्ट करने की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो बात है यहाँ जो यूनानी मेडिसिन में लैक कर रहा है जो लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। सोशल मीडिया में इसका बहुत ही कम है। आप अगर #BMS सर्च करेंगे तो मुश्किल से 1000 से ज्यादा पोस्ट नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। जबकि #MBBS #BAMS सर्च करिए, लाखों पोस्ट मिलेगा, कंटेंट्स मिलेगा। यहाँ पे हम लोग पीछे हट रहे हैं। मैं अपने खुद अपनी बात करना चाहूंगा। मैं अपनी कहा, आप लोग जितने बैठे यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग यहाँ पे जो भी है सब बाय चांस आए हैं, बाय चॉइस कोई नहीं आया यहाँ पर। मैं खुद आया हूँ। मेरा जब एडमिशन हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं था BMS क्या है, यूनानी बस यूनानी हकीम वर्ड सुना था कभी। और न्यूज़पेपर के थ्रू मुझे मालूम चला, वो भी नोटिस में, वो मुझे अपने से नहीं मालूम चला। मैं जनरली जो भी यंगस्टर्स होते हैं तो एक न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज लास्ट पेज पढ़ते हैं। अब बीच मुझे कंटेंट वगैरह से लिख रहा था, नोटिस को नहीं पढ़ता सिवाय फादर्स के। मेरे अब्बू पढ़े थे और मुझे बताया उनके बारे में कि तुम ले लो इसके बारे में, तब मुझे जानकारी मिला। और आंख बंद करके उनसे ट्रस्ट करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो बहुत सारी कमी मुझे दिखती है शुरू से। तो सबसे पहला चीज है लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट है यूनानी मेडिसिन में। सोशल मीडिया में बहुत कमी है इसका, इसको एडवर्टाइज किया जाए। और इसको एक प्रॉपर न्यूज पेपर होना चाहिए यूनानी क्विप के नाम से, जो लोगों तक उनको पहुंच बताए इसकी इफेक्ट। उसके बाद स्पेशली मैं बात करना चाहूँ हेल्थ कैंप की। मुझे यहाँ कॉलेज में आए हुए 2 साल हो गया, लेकिन स्पेशल अभी तक कोई भी प्रॉपर हेल्थ कैंप नहीं गया हूँ। तो क्लिनिकल बहुत कमी है यहाँ पर। और हेल्थ कैंप अगर लगाई जाएगी तो लोग जाएंगे तो वहाँ पर डाटा कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से ओपन टॉक होगा डायरेक्ट, तो लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। रूरल एरियाज में जाना होगा, आउटस्कर्ट ऑफ सिटी हम लोगों को जाना पड़ेगा। और स्पेशली प्रेजेंटेशन वगैरह होना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम लोग मैसेज पहुंचा सकते हैं यूनानी मेडिसिन की अच्छाई को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और परफेक्ट क्यूर जो और पूरी तरह से 100% इलाज तो नहीं है, लेकिन अच्छा इलाज जो कहा जाए उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे ग्वाइटर, अगर ग्वाइटर का इलाज हमें पता है तो हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि ग्वाइटर का इलाज यूनानी में ये है। और उसके लिए स्पेशल कैंप रखना चाहिए स्पेशल ग्वाइटर के लिए या कोई भी डिजीज के लिए। और लोगों को बताना चाहिए कि ये हमारे यूनानी सिस्टम में इसका इलाज है। जैसे सपोज अपने कॉलेज की बात की जाए, अपने कॉलेज में कहीं पर गया था, कहीं पर कोई पोस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ कि यहाँ प्रॉपर इलाज है इस चीज का, तो पोस्टर वगैरह से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। जो पेशेंट आते हैं उनको बताना चाहिए कि ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर इलाज है, आप यहाँ पे आकर आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बहुत अफसोस की बात है यहाँ पर। और सोसाइटी, सबसे पहले लोग क्या सोचेंगे, हम ये पैथी पे आ चुके हैं लेकिन क्रॉस कर जाते हैं, फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता आगे हमको क्या करना क्या है। सोसाइटी क्या सोचेगी, चार लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, खुद अपने आप बोलने में शर्म आता है कि हम हकीम है। तो टीचिंग मेथड की बात की जाए तो उर्दू जो वर्ड है, उर्दू लैंग्वेज है, उसको थोड़ा इजी करके पढ़ाना चाहिए टीचर को। और ओपन टॉक होना चाहिए, देयर इज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। कम्युनिकेशन गैप को खत्म करके स्टूडेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना, स्टूडेंट से उनके यस सर नो करना चाहिए, यस आपने बात को समझा हाँ या नहीं। अगर नहीं समझा तो सर को कोशिश करना चाहिए, आप उनको बताने की कोशिश की जाए।
और जहां तक एक लास्ट बात रखना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है या पास होता है उसका जिम्मेदार जितना स्टूडेंट का उससे ज्यादा टीचर की है। टीचर को भी समझना चाहिए कि क्यों आप सब नहीं लगा, उसका जिम्मेदार टीचर भी है लेकिन ज्यादा स्टूडेंट है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और एक और बात बोलना चाहूंगा, स्कोप की बात की जाऊँ तो यहाँ बताया जाता है यूनानी मेडिसिन में कि स्कोप बताया जाता है कि यूनानी कंप्लीट करने के बाद आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, नौकि उनको ये नहीं बताया जा सकता आप हकीम और डॉक्टर बनेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया। हम लोग यहाँ पे एक साथ 97 फाउंडेशन डे के मौके पे हुए हैं और एक डिबेट कॉम्पिटिशन है और उसमें हमने मान लिया है हाउ टू मेक यूनानी सिस्टम अपीलिंग फॉर मेडिकल एस्पिरेंट। मेडिकल की तैयारी लाखों विद्यार्थी करते हैं, लाखों छात्र करते हैं, लेकिन यूनानी 10 बच्चे भी नहीं जानते होंगे कि अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो यूनानी में कुछ होता। आइए हम लोग आज बात करते हैं यूनानी सिस्टम को, ठीक है। यूनानी सिस्टम की इब्तदा जो हिंदुस्तान में हुई वो 1100 साल ईस्वी में वो मुगल के जरिए हिंदुस्तान में आया। और हम लोग क्लेम करते हैं कि ये ओल्डेस्ट रहती है, दूसरे बटालियन क्लेम करती है कि वो सबसे ओल्डेस्ट रहती है, आर्मी क्लेम करती है कि वो ओल्डेस्ट रहती है। जब हम लोग को हिंदुस्तान में आए 1100 साल हो गया तो अभी तक हम लोग 5 चीज ऐसे हैं जो मॉडर्नाइज नहीं हो पाए। जैसे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं करने कर पा रहे हैं, ड्रग मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये नहीं कर पा रहे हैं। 1100 साल में हम पब्लिक के पास नहीं जा पा रहे यूनानी सिस्टम है क्या, यूनानी से कैसे इलाज मालिक होता है, कैसे मर्ज होता है, कैसे अर्ज होता है, कैसे सबब होता है, ये हम लोग बता ही नहीं पाए। इसीलिए अभी हम लोग के ऊपर जो है एलोपैथ हावी हो गया है, जिसके रिजल्ट में एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस के कारण हर 3 सेकंड में 1 लोग की डेथ हो रही है। ये ग्लोबली डाटा है और इसके लिए पूरी दुनिया जो है हर्बल मेडिसिन की तरफ आ गई है। और हर्बल मेडिसिन यहाँ भी नाम आता है तो आयुष आता है, आयुष आता है तो लोग समझते आयुर्वेद। और यहाँ पर भी आयुष की पेज है, चाहे इंस्टाग्राम ले लें, फेसबुक ले लें, आयुष की ऑफिस मंत्रालय क्यों ने ले लें, वो आयुर्वेद को प्रमोट करती है। हम कहीं पर अगर खड़े होते हैं तो ये बोल पाते हैं कि हर्बल कर्ण है तो आयुर्वेद कर्ण है, यूनानी की तरह आयुर्वेद ही की तरह यूनानी है, यूनानी को हम लोग प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो अब ये बताना जाहिर हो जाता है कि यूनानी आयुर्वेद कैसे डिफरेंस है। तो यूनानी का ये है अरकान अरबा, अरकान अरबा तो हम लोग सुनेंगे कि ये पूरी यूनिवर्स है, 4 चीज से मिलकर बनी है और आयुर्वेद कलेक्ट करती है 5 चीज से मिलकर बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर से निकलने के बाद हम लोग का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाता है, मार्केटिंग नहीं हो पाता है। अगर किसी भी चीज का मार्केटिंग करना हो आज के दौर में तो लोग उसमें हर्बल मेडिसिन जोड़ देते हैं। जैसे आप एक टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लें, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में दालचीनी है या क्लोव है, तो लोग एक बार में ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात हो या एजुकेशन की बात हो तो वह एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाती है। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम लोग जब 5.5 साल यहाँ पढ़ाई करते हैं, फुल्ली यूनानी प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तो हम लोग एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं। यूनानी को कोई जानता भी नहीं है, यूनानी लोग बोलने से कतराता है। और हम लोग का 2 सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि यूनानी में लोग आकर्षित क्यों नहीं हो पाते। पहला यह है कि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है यूनानी की। और दूसरी कि हम लोग अपने मेथड को प्रमोट नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे इलाज करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। इसमें जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 4 है, एक इलाज बिल गिजा है, इलाज बिल जीत है, इलाज बिल तदबीर है और इलाज बिल दवा है, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि यूनानी पैसे हम कर लेते हैं, यूनानी मेडिसिन खाते हैं, हम ठीक ही नहीं हो पाते हैं। तो उसकी भी एक डोज है, पहले उसको हम गिजा से इलाज करते हैं, फिर दवा से इलाज करते हैं, फिर मिजाज के अकॉर्डिंग जीत से इलाज करते हैं और उसके बाद तदबीर करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो नए एस्पिरेंट आते हैं, जैसे हम भी लोग यहाँ पर आए तो पहले हम लोग का करिकुलम हुआ, करिकुलम से बहुत हम लोग प्रमोट हुए, हम लोग एक से एक यूनानी अचीवर्स को देखे कि लोग यूनानी करने के बाद कहाँ सर्व कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है, अगर 5.5 साल हम यहाँ प्रमोट करेंगे, हम भी तो आए थे तो जानने जैसे यूनानी क्या है, करिकुलम किया गया, करिकुलम के थ्रू हम ये जाने कि हम यूनानी 5.5 साल 7 साल या एमटी करने के बाद कहाँ सर्व कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर भी है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी कर सकते हैं, पीएससी भी है, यहाँ तक के हिंदुस्तान के जितने भी एम्स कॉलेज है सब में आयुष की बहाली है। हम लोग एक अच्छे स्कॉलर से मिले थे अदनान मस्ताद सर, जो एम्स रायपुर में भी सर्व कर रहे हैं। और उसके बाद ये कि हम लोग एक अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले मोया मोया डिजीज जो कि एलोपैथ बोलती है कि ये जो है
मतलब कि क्यूर नहीं हो सकती है। यूनानी प्रैक्टिस से, यूनानी दवा खाने से ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट ठीक हो पाया है, लेकिन इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बड़ा बिल नहीं इसको मिला, बड़ा अहतम इसको नहीं मिला, लोग जाना नहीं, न आप जाने ना हम जाने, हमारे सरकार की पीटीसीएच से ही कुछ किया तो हम लोग को पता चला। अगर यही एडवर्टाइजमेंट अगर बड़े लेवल पे हो, मार्केटिंग लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो आप सोचे यूनानी व्यक्ति कहाँ से कहाँ चली जाए। सबसे बड़ा रीजन हम लोग का यहाँ पर होना ये है कि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है, इसका होना बहुत जरूरी है। न कॉलेज कर रही है, न कोई एनजीओ कर रही है, न कोई गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ इस यूनानी को प्रमोट कर रही है कि आयुर्वेद को लेकर चलना है, सबसे बड़ा डिमोटिव ये है। और हम लोग को अपना जो पैथिक खसूसियात है, जो यूनानी का यूनिकनेस है, वो नहीं दिखा पाते हैं, चाहे फैकल्टी के अंदर कमी हो, स्टूडेंट के अंदर कमी हो, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी हो। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग, जिस चीज में महारत है, ऐसी बात नहीं कि यूनानी कर रहे हैं तो सारा डिजीज हमको आता है, इसका मर्ज हमको आता है, सारा हमको इसको ठीक करना आता है। जिसमें भी हम महारत हासिल किए हैं उसी को हम लोग लेकर चले, इंशाल्लाह बहुत महारत हासिल होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया मोयमाया डिजीज लोगों हो गया, जैसे फंगल इन्फेक्शन स्किन का हो गया, अर्थराइटिस, मेरा एक दोस्त था वो उसकी माँ को 8 साल से अर्थराइटिस का दिखा रहा था, नहीं ठीक हुआ, कॉलेज में आए फैकल्टी से दिखाए, 6 मंथ अर्थराइटिस बहुत कमी आया। मैं अपने बातों से ये खत्म करूंगा। और दूसरी बात की यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी कैसे ठीक हो, तो बहुत सारे सर कन्वे नहीं कर पाते स्टूडेंट से, इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं, वो स्किल नहीं है, नॉलेज तो है, स्किल नहीं है कि कैसे बच्चे से जुड़ा जाए। और एक शेर से अपनी बातों को खत्म करूंगा, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तर्दीद से पत्थर भी पिघल जाते हैं। यूनानी मेडिसिन सिस्टम की शुरुआत ग्रीस से हुई है। वो ग्रीस के एक फिलोसफर थे हिप्पोक्रेट, जिनको बुखार भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उससे पहले जो इलाज हो रहा था ये सब, उसको लोग जादू टोना समझते थे। इन्होंने जो है उनको जादू टोना से साइंस में जगह दी और उनको बताया कि ये एक तरह का तरीका इलाज है, कोई जादू टोना नहीं। उसके बाद ये मेडिसिन सिस्टम ग्रो किया और पूरी दुनिया में ये मेडिसिन सिस्टम ने अपना काम किया। 12वीं शताब्दी में ये मेडिसिन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इंडिया में इंट्रोड्यूस होने के बाद उस समय दिल्ली सल्तनत जो है इस्टेब्लिश्ड हो रहा था, तो वहाँ के हुक्मरानों ने इन्हें प्रमोट किया और ये हिंदुस्तान में ग्रो किया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत आने के बाद ये मेडिसिन सिस्टम, जब एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और उसे प्रमोट किया गया, तो ये मेडिसिन सिस्टम एक्सटेंशन के कगार पर चला गया। तब एक शख्स जिनको हम सब लोग जानते हैं, जिनके नाम से ये ऑडिटोरियम है, डॉक्टर हकीम अजमल खान, उन्होंने इस मेडिसिन सिस्टम को एक्सटेंशन से बचाया और इनको जो है एक नया मुकाम दिया और काफ़ी सारे कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए, जिनमें कि दिव्या कॉलेज दिल्ली के करोल बाग का, और ये जामिया यूनिवर्सिटी के जो है चांसलर भी रहे थे 1920 ईस्वी में, और 1927 में जब तक इनकी वफात नहीं हो गई ये वहाँ के चांसलर थे। अब ये टॉपिक है कि आज के टाइम में मेडिकल एस्पिरेंट्स को कैसे जो है हम अट्रैक्ट करें कि वो यूनानी मेडिकल सिस्टम को चूज़ करें। सबसे पहली बात तो हम ये खुद शर्माते हैं बोलने में कि हम UMS कर रहे हैं। जब तक हम खुद लोगों से नहीं कहेंगे शान से, प्राउड के साथ, कि हम UMS कर रहे हैं, तब तक लोग जानेंगे कैसे। इनफैक्ट जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे आस पड़ोस में लोगों को पता नहीं था कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम क्या होता है, UMS क्या होता है, और लोग कतराते हैं बोलने से। कई लोग तो झूठ भी बोल देते हैं कि हम फलाने मेडिकल कॉलेज में हैं, GTCH में नहीं है या और कहीं है। तो जब हम लोगों तक खुद ही ये बात नहीं पहुँचाएँगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा वजूद क्या है, तो लोग कैसे समझेंगे इस चीज़ को। जब मैं छोटा था, मेरे फादर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी मुझे कि एक महावत था जो कि जिसने कि एक हाथी का बच्चा लाया था और उसको जैसे बांध कर रखते थे छोटी सी रस्सी के सहारे। धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होता गया और महावत उसको उसी छोटे से खूंटे से बांध कर रखता था, लेकिन हाथी कभी उस खूंटे को तोड़ कर भागा नहीं। तो मेरे पापा ने ये बताया कि ये इस वजह से है क्योंकि जब वो शुरुआत में कोशिश किया होगा तो वो ये चीज़ कर नहीं पाया और उसके बाद उसने कभी इस चीज़ की कोशिश नहीं की, और आज उसकी इतनी ताकत है कि वो एक झटके में उस बूटे को तोड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर से ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था कि वो उस चीज़ को कर पाए। सबसे पहले हमारे अंदर हमें ये कॉन्फिडेंस चलाना है। हम ये चीज़ करते हैं, प्रॉब्लम्स गिनाते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, हमारे पास ये मशीनरी नहीं है, सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है,
जब हकीम अजमल खान साहब ने इस सिस्टम को बचाया था तब उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, और आज उसकी तुलना में हमारे पास बहुत सारी सरकार मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाल रही है, हमारे लिए कॉलेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, फिर भी हम शिकायत पर शिकायत करते जा रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। सबसे पहले हमें खुद को ये कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हम इस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जिस दिन हम ये कर लेंगे, ये मेडिसिन सिस्टम अपना मुकाम वापस से हासिल कर लेगा जबकि कभी ये था। इन्हीं सब चीज़ों के मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। थैंक यू। आपके मार्क्स है, एग्रीगेट मार्क्स जो आए हैं वो 14। कितना आउट ऑफ 17 17 का था और 17 पे इनका 14 स्कोर रहा। आकेफ इनका 12.66 स्कोर रहा। उसके बाद इकराम इनका आउट ऑफ 17 15 स्कोर रहा। इसके बाद रूकेश इनका स्कोर 9 था आउट ऑफ 17।